కరెంట్ పోయింది వచ్చింది కరెంట్ కరెంట్ వచ్చింది లేదు బండి చేయలేదు అన్ని ఆన్ అయి ఉన్నాయి ఉదయం మహారాజ్ परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी केशवानंद जी की कृपा से मैं पहली बार सद्गुरुदेव जी को 1982 में मिला था और उसी वर्ष मैंने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से दीक्षा ली थी। बहुत बार समझाया कि मैं गुरु जी से दीक्षा लिया, गुरु जी ने मुझे साधना करवाई, मैं साधना किया, ये सारी जिंदगी में मेरे जीवन में जो भी चलना था चला। इसके बाद 1982 से लेकर साधना करने के बाद भी 1993 तक बहुत इतना कष्ट झेलना पड़ा, जिसके बारे में आपको अगर कहूँ तो आपका उसके बारे में आप मेरे सामने कुछ भी नहीं भोग रहे हैं जैसा मैंने किया है। मैंने साधना करना ही मेरा श्रेष्ठ जीवन का लक्ष्य समझा था और मैंने मेरी नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ने के बाद साधना करने लगा, माता पिता भाई बहन दोस्त सभी लोग मुझसे घृणा करने लगे, इस कलयुग में क्या साधना से कुछ साध्य होता है क्या, ऐसा उनका कहना था। मुझे गुरु जी ने एक झलक दिखा दी थी कि साधना से भगवान की तुष्ट कर सकते और मैं उनके उसी बात पर आधारित जीवन जी रहा था और विश्वास था कि मुझे गुरु जी किस एक न एक दिन वो श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाएंगे। इस उद्देश्य से मैं अपना जीवन जीने लगा, लेकिन 1982 से लेकर 1993 तक जीवन की कुछ घड़ियां ऐसी बीती कि मजबूर हो गया था कि मैं अब इस जीवन में साधना करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। वही लोग सही हैं जो लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम साधना से कुछ नहीं कर सकते, अपने पति अपने पत्नी बच्चों को भी तुम कष्ट दे रहे हो, अपने परिवारजनों को भी कष्ट दे रहे हो। और ये मैं अनुभव कर रहा था कि सचमुच पैसों की कमी के कारण कहो या नौकरी छोड़ देने के कारण कहो, बहुत जीवन में असंघर्ष करना पड़ा। आखिर में 82 से 1993 11 साल की उस उग्र तपस्या के बाद बोलो या उन साधनाओं के बाद हार गया और 1993 में गुरु जी के पास गया। मैं बार बार कहता हूँ कि दो दिन मुझे याद है, वो 3rd June 1993 था, गुरु जी दिल्ली में थे। मैं वहाँ तक कैसे पहुँचा ये भी मुझे ये मेरे जीवन की एक कहानी है। ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठकर मैं दिल्ली पहुँचा था और दिल्ली में जाने के बाद गुरु जी के दर्शन के लिए बहुत देर बैठा रहा। गुरु जी आए, गुरु जी की छांसर में गुरु जी बुलाया, मेरा नंबर आने के बाद गया, गुरु जी के चरणों में नमस्कार किया और कहा गुरु जी मैं हैदराबाद से आया। गुरु जी देखे और गुरु जी ने कहा कि हाँ भी बताया हैदराबाद से आया। मुझे तब तक मैं गुरु से कभी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं किया, तब तक तो केवल साधना ही करता था।
और साधना का जीवन किस तरह होता है आप सभी को होता है, मुझे बताया एक तरह नौकरी होती है जिसमें पैसे नहीं थे और चरणों में पहुँचा हुआ था। उस दिन बहुत देर तक यही खड़ा रहा तो मुझे पूछा क्या बात है तो खड़ा है, मेरे मुँह से कुछ नहीं निकला, दो ही शब्द निकले, गुरु जी मैंने इस जन्म में आपको गुरु अपनाया है और यह जीवन मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी अगर आप कभी मेरी इच्छा पूछेंगे तो मैं एक ही इच्छा आपके सामने करने के लिए बैठा हूँ और वही इच्छा है जिंदगी में या तो आपका सामर्थ्यवान शिष्य बनकर जीऊं, नहीं तो मुझे मुझे जीवन यही समाप्त कर दो। मैं नहीं चाहता कि मुझे एक असमर्थ जीवन जीने का जीने के लिए कोई बाध्य करे, लोग मेरी ओर से आपको कोई बात करें, आपको कुछ कहें, तेरे गुरु जी ने क्या किया, इतने कष्ट भोग रहा है, तेरे नौकरी छोड़ दी तूने, तेरे माता पिता तुझे नहीं थे, गाँव वाले मित्र सभी अपने आप को उससे अपने आप को दूर देखते थे, इसलिए कि कहीं इतने नौकरी छोड़ के पैसे ना मांगे, कहीं पैसे मांगा तो पैसा, इस दृष्टिकोण से लोग भी दूर दूर जाते थे। अब पिताजी की तो बात की, उनका दर्द उनको था, सरकारी नौकरी थी, कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर हो सकता था, ऐसा नौकरी छोड़कर इस साधना के पीछे बैठा हुआ है, ये उनकी चिंता था। गुरु जी को हमारे पिताजी ने एक पत्र भी लिखा था कि वह साधना के नाम पर उसकी सरकारी नौकरी, पहले तो ब्राह्मण को नहीं मिलती, उसने वो नौकरी भी छोड़ दी है और वो साधना ही करते हुए कहीं जंगलों में शीशे जम जाता है, कहीं जाता है नदी के किनारे जाता है अपने बीवी बच्चों को। लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ, कुछ भी किया, मेरे दोनों बच्चे, मेरी पत्नी और जो भाई अभी बैठा है दत्तू, इन्होंने मेरे जीवन के अच्छे बुरे दिन देखने में ये लोग प्रधान हैं जिनको मेरी जिंदगी के बारे में। और उन्होंने मेरे बच्चे, मेरे पत्नी और इन्होंने मेरी जिंदगी में कभी ये बात नहीं कही कि हम कैसे भी रहें दो कमरों में रहें, दो कमरों में, एक कमरों में पूजा का रूम था साधना का और एक रूम में पति पत्नी और जैसे थे, मैं तो ब्राह्मण उनके बारे में मालूम है, तीन दिन होने के बाद छुट्टी के दिन हमें बाहर बैठना पड़ता है, वैसे समय मिलती है, हम उसी तरह जिंदगी जीते थे जैसे एक नॉर्मल जिंदगी। लेकिन इस पूर्ण जिंदगी में कभी मैंने मेरी पत्नी और मेरे बच्चों या दत्तू भैया से ये बात नहीं सुनी कि भैया हमारी भी कमी पड़ी, हमारी भी कमी है, आज खाना दो सब्जियों से नहीं खाया या दो आज नहीं खाया, जो भी होता था अपने मन से करते थे खाते थे और कभी पत्नी नहीं कहा। और ये बात ये गुरु जी को मिलने के बाद बहुत सारे लोग साधना ही पूछने आते थे, तुम गुरु जी से मिले हो, तुम साधना करते हो, ये बात पूछने के लिए पूछने के लिए आते थे। वो आने के बाद पत्नी उनको भी खाना बनाकर खिलाना, सभी लोग मास्क डाल लो, कोई चटनी पी गया है, उन्होंने
रोज बस पे नौकरी 160 किलोमीटर रहता है ऐसा मतलब पिछले 5 से 7 साल तक अपना जीवन गुजारा। उसके बाद भी उसकी नौकरियाँ 100 किलोमीटर से कम तो मिली जा रही है अब तक नहीं हुई और केवल इस साधना और इस मार्ग से मैं कहीं साधना को चले जाऊँ तो भाभी बच्चों को देखने और मेरे बच्चे भी कभी मेरे जीवन में ये कॉम्प्लेन नहीं करे कि बाबा हमें ये कमी है। कभी पत्नी ने नहीं कहा कि मुझे ये कमी है। लोगों को दुख कम होता है साधना में कब कमी कमी होती है कि क्या जी तुम साधना हो जाते हो हमारे बच्चों को क्यों नहीं देखते हमारे को नहीं देखते ये मेरे को कोई काम नहीं होता और इसलिए मैं पैसा नहीं रहने पर भी मेरे में मुझे मैं मेरे को मैं भाग्यवान समझता हूँ कि इन्होंने मुझे जीवन में साथ दिया और मेरी साधना ही होती रही। और जब मैं उनकी नई डिग्री में मैं गुरुजी के पास गया तो गुरुजी के पास यही शब्द बोला है कि मैं आपका सामर्थ्य शिष्य बनकर जीना चाहता हूँ अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मुझे मृत्यु प्रदान करो मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना जिसे आपके बदनाम करे लोग ये कहें कि तुमने गुरु जी के पास से इतनी साधना की है इतना सब पीछे है तुम्हारे इतने समर्थ सक्षम गुरु है और तो आज कैसे जिंदगी जी रहे हैं नौकरी नहीं है दो बड़े मेरे पैदा है वो घर नहीं है फिर पति मृत्यु से लोग देखते साथ आए हैं वो लोग घर पानी ये सारी चीज़ें वो लोगों में होती गुरु जी ने यह बात कही कि मैं कल देखकर हंसे और हंसकर उन्होंने कहा जोशी स्वामी निखिलेश्वर जी का शिष्य बनना मामूली बात नहीं। इस संसार में स्वामी निखिलेश्वर जी ने किसी को अगर ये कह दिया कि तू मेरा शिष्य है तो समझ वो देवता से भी बढ़ गया।